देखिए, छात्र नेता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो सड़क पे भी उतरते हैं, तालाबंदी भी करते हैं और मोर्चा भी खोलते हैं। लोहा माफिया सुने हैं इसमें, एजुकेशन माफिया, शिक्षा के माफिया इसमें घुसे हुए हैं। प्रभात खबर का कटिंग है जिसमें इंटरमीडिएट में 68,59,000 का गमन किया गया था। अगर आप गरीब शोषित है तो आप शोषित ही रहिएगा। ये जमाना मतलब डिक्टेटरशिप का हो गया है पूरा। अभी बाहरी भीतरी हिंदू मुस्लिम करके आपका वोट को लूटा जाएगा, ठगा जाएगा। मैं तमाम ग्रामीण से आवाज़ और निवेदन करता हूँ कि आप अपना वोट इतना सोच समझ के दें कि ऐसा चोट करे कि दोबारा जो भी प्रत्याशी रहें सोच समझ के और मतलब काम के रिलेटेड ही बात करें। नमस्कार जोहार, मैं AR बकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ में छात्र नेता जुगदेव जी हैं। जुगदेव जी ने आज चास कॉलेज चास में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, मेरे पास ये मिलने के लिए आ गए। जुगदेव जी, आखिर जरूरत क्या पड़ी एक छात्र नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? देखिए, छात्र नेता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो सड़क पे भी उतरते हैं, तालाबंदी भी करते हैं और मोर्चा भी खोलते हैं। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप नहीं भी आ पाए, लेकिन आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मंच देने का काम किया है, उसके लिए धन्यवाद, आभार। क्या वजह थी आपको? देखिए, हम विगत 1.5 साल से इंटरमीडिएट का लड़ाई लड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी गेट जाम किया, तालाबंदी किया, जगह जगह लेटर दिया, हर जगह मतलब ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये गांव घर का जो बच्चे हैं, जो गरीब घर के ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, वो प्राइवेट संस्थान में क्या एडमिशन ले पाएंगे? इंटरमीडिएट का अगर वो प्राइवेट संस्था में अगर एडमिशन ले पाते तो वो फिर ये लड़ाई लड़ने का कोई वजह ही नहीं रहता। सरकार ने आदेश दिया कि हर अंगीभूत कॉलेज में डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी, लेकिन सिर्फ विनोद व्याधि महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय छोड़ के झारखंड में हर यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है। मतलब विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी मतलब क्या है कि आप एक आंख में काजल लगा रहे हो, एक आंख में कालिक लगा रहे हैं। विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय में यहाँ के पीके राय कॉलेज में सिटी कॉलेज का स्टाफ तक को निकाल दिया गया है। रोजगार था, उसका रोजगार छीन लिया गया। एक तो बेरोजगारी का जमाना चल रहा है, अभी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप जिस जगह में काम कर रहे हो उस जगह से आपको निकाला जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? इस षड्यंत्र के पीछे, जैसे आप कोयला माफिया सुने हैं, लोहा माफिया सुने हैं, इसमें एजुकेशन माफिया, शिक्षा के माफिया इसमें घुसे हुए हैं। किस प्रकार? वो इस प्रकार कि मैं आपको दो प्रमाणित दिखा रहा हूँ अभी आपके चैनल के माध्यम से। ये प्रभात स्क्रीन पे पेपर भी दिखा रहा। हाँ, ये मंडार कॉलेज का एक पेपर प्रभात खबर का कटिंग है जिसमें इंटरमीडिएट में 68,59,000 का गमन किया गया था। दूसरा, ये 68,59,000 किसका, कौन फंड का? मंडार कॉलेज का है, इसका अभी तक कोई। अरे ठीक है, तो ये पैसा किस फंड का? इंटरमीडिएट फंड का था। और दूसरा, कार्तिक उराव कॉलेज 40,00,000 से अधिक का हुई अवैध निकासी। तो सेम हाल हमको लग रहा है कि पीके राय कॉलेज और सिटी कॉलेज का हाल है। आपके पास अगर इंटरमीडिएट में फंड था, हमारे कॉलेज चास महाविद्यालय चास में भी तो इंटरमीडिएट के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो नहीं निकाला गया। आप किस हिसाब से निकाल रहे हैं? आपको निकालने का कोई आदेश दिया गया है कहीं से? तो ये बिना आदेश के वो लोग काम कर रहे हैं। अगर सरकार आदेश दे रहा तो आप मान नहीं रहे हैं। मतलब क्या है इसमें? कौन से ऐसे षड्यंत्रकारी रोग बैठे हुए जो ग्रामीण और ऐसे लोगों को मतलब ठग रहे हैं कि आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है? इन लोगों का आवाज़ बनकर मैं खड़ा हूँगा और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम भी करूँगा। तो ये आवाज़ आपने झारखंड सरकार तक पहुँचाई? ये आवाज़ झारखंड सरकार तक पहुँची है। मतलब विगत 1.5 साल में ऐसा कोई ऑफिस नहीं बचा जहाँ पर मेरा एक लेटर ना गया हो। हर जगह मैंने अपना ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक मतलब सब अलग अलग माहौल में भिजे हैं। शिक्षा के नाम पे कोई कुछ करता ही नहीं चाहता है। मतलब क्या चाहते हैं लोग? यहाँ के ग्रामीण लोग, आदिवासी लोग, दलित पिछड़ी लोग ना पढ़े, सिर्फ ऐसे ही मजदूरी करे? तो बाकी सारे कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है? हाँ, हो रही है। और पिछले साल ही आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पिछले साल ही इंटरव्यू दिया था। उस टाइम भी मैंने यही बोला था कि सब जगह चालू हो चुका है, लेकिन विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय में ऐसा हो ही नहीं रहा है। वहाँ पे वाइस चांसलर के पास, पुराने वाइस चांसलर जो थे सुखदेव भाई, उनके पास भी मैं पहुँचा। ये आवाज़ विधानसभा में भी उठा है, नए वाइस चांसलर के पास भी पहुँचा। नए वाइस चांसलर डायरेक्ट बोलते हैं कि हम गवर्नर से आदेश मिलेगा तभी हम चालू करेंगे, लेकिन बाकी 7 यूनिवर्सिटी में जो इंटरमीडिएट का पढ़ाई चल रहा है वो सरकार के आदेश पे ही चल रहा है। तो मतलब विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय में कोई स्कैम, कोई षड्यंत्र तो चल ही रहा होगा, तभी ना यहाँ पे इंटरमीडिएट का पढ़ाई को रोका गया है। ये पेपर में ये चीज़ जो है कि आप दिखा रहे हैं,
कि सरकार ने वो पुनः आदेश दिया, ये हेमंत सोरेन जी वाला अंगीभूत एवं डिग्री, तो इसका नोटिफिकेशन क्या कॉलेज में नहीं आया? इसका नोटिफिकेशन जैक द्वारा दो दो बार निकाला गया है, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ बताना भी चाहता हूँ। देखिए विभा पांडे, डॉक्टर विभा पांडे द्वारा ये नोटिस, ठीक है, 13/7/2023 को ही आया था, फिर भी इन्होंने इस आदेश को नहीं माना। दूसरा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी ये नोटिस जारी किया था, इसके आदेश पर भी कुछ नहीं किया गया। गांव का बेटा है जुगदेव, और इन्होंने जब ये विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होने लगी, तो यहाँ जो गरीब गुरबा लोग हैं, मजदूर किसान का बेटा कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट करने में ज़्यादा पैसा उनको खर्च होगा, इस चीज़ को लेकर इन्होंने कई बार लड़ाई लड़ी, हर एक ऑफिस में गया, हर अफसर से मिले, हर पदाधिकारी, लेकिन इनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो इनका साफ साफ कहना था कि क्या चाहती है ये विश्वविद्यालय, कि यहाँ के गरीब शोषित वंचित का बेटा ना पढ़े, ये बड़ी बात है और इसको समझने की ज़रूरत है। ये नौजवान लड़का है और ये पूरी तरह से इस सिस्टम को समझता है। और अंत में कुछ कहिएगा। देखिए ये ज़माना पैसों वाला हो गया है, अगर आप बड़े आदमी हैं तो आप बड़ा आदमी ही बनिएगा, अगर आप गरीब शोषित हैं तो आप शोषित ही रहिएगा, ये ज़माना मतलब डिक्टेटरशिप का हो गया है पूरा पूरी। देखिए एफिलेटेड कॉलेज का BBMKU अंतर्गत एफिलेटेड कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई चल रही है, लेकिन वही BBMKU अंतर्गत सरकारी कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं चल रही। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में पैसा ज़्यादा है, पैसा झोला भर भर के पहुँचेगा, तो इसीलिए ना इंटरमीडिएट का पढ़ाई आप एफिलेटेड कॉलेज में दे दिए। आप क्यों दे रहे हैं सरकारी कॉलेज में, क्यों नहीं दे रहे जहाँ पे कम पैसा लगेगा? मतलब कहीं ना कहीं ये समझिए सिस्टम को, यहाँ पे एक एजुकेशन स्कैम चल रहा है, शिक्षा के नाम पे लूट मचाया जा रहा है। BBMKU आप हर दिन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी बच्चा लोग एक बार में BEd कॉलेज में 1500-2000 बच्चा को फेल कर दिया जा रहा है, मतलब हर एक टाइप का आपको मुद्दा BBMKU मिल जाएगा। जो BBMKU के जो चेयर में अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, यही लोग की वजह से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके वजह से गांव घर के लोग न पढ़ पा रहे हैं न बढ़ पा रहे हैं। क्या विशेष मैसेज रहेगा? विशेष मैसेज अभी यही रहेगा कि अभी चुनाव का दौर है, लोग बाहरी भीतरी और कोयला का बात करते हैं, आपके शिक्षा, आपके बेरोजगारी, आपके स्वास्थ्य, आपके घर गांव के सड़क पानी बिजली इस सब का बात कोई नहीं करेगा। अभी बाहरी भीतरी हिंदू मुस्लिम करके आपका वोट को लूटा जाएगा, ठगा जाएगा। मैं तमाम ग्रामीण से आवाज़ और निवेदन करता हूँ कि आप अपना वोट इतना सोच समझ के दें कि ऐसा चोट करे कि दोबारा जो भी प्रत्याशी रहें सोच समझ के और मतलब काम के रिलेटेड ही बात करें। आप समझ सकते हैं युवा नेता जुगदेव ने जो बात कही है कि आप सबसे बड़ा दान करने जा रहे हैं मतदान, और सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके बच्चों की भविष्य की बात है, तो समझ लीजिएगा। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ साथ मैं लेता हूं विदा, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जोहार, जय झारखंड।